सोशल फिजिकल और इंटेलैक्चुअल ट्रेड्स टू डिफ्रेंशिएट लीडर्स फ्रॉम नॉन लीडर्स यह खसूसियात जिस किसी में भी होंगी उनको हम एक लीडर का दर्जा देंगे और यह खसूसिया जिसमें नहीं होंगी वो फॉलोअर कहला सकता है लीडरशिप ट्रेड्स का जब हम जिक्र करते हैं तो द ट्रेड्स कैन बी एक्स्ट्रा वर्जन दे कैन बी कॉन्शियंशियसनेस द ट्रेड्स कैन भी रिलेटेड टू द ओपननेस एस्पेक्ट्स द ट्रेड्स कैन बी रिलेटेड टू द इमोशनल इंटेलिजेंस जो एक्चुअली एक लीडर को क्वालिफाई करती हैं टू बिकम लीडर बिकॉज इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स इमोशनल इंटेलिजेंस इजन अपर इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू इंटेलिजेंस क्वेश्चन सो इमोशनल इंटेलिजेंस की जो अहमियत है वो लीडर के साथ एसोसिएटेड है इन टर्म्स ऑफ द ट्रेड्स अब ट्रेड थे जो हमें कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ा उनमें नंबर वन ये है कि नो यूनिवर्सल ट्रेड फाउंडिक्ट लीडरशिप इन ऑल सिचुएशन हमें कोई ऐसी यूनिवर्सल ट्रेड ना मिली जो कि हर सिचुएशन में हर लीडर के अंदर मौजूद हो बिकॉज डिफरेंट सिचुएशन में लीडर्स ने डिफरेंट तरीकों से बिहेव किया उनके ट्रेड सेट्स डिफरेंट थे सेकेंड एस्पेक्ट रिलेटेड टू द ट्रेड दैट अनकलियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ लीडरशिप एंड ट्रेड बाज हम रायम नहीं कर सके एक लीडर के पास कौन सी ट्रेट होगी तो वो सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा इस वजह से जब राब कॉज एंडेशनशिप्लिश ना हो बिकमिंग एक्चुअली वीक टू डिफाइन दैट हुक् थर्ड एस्पेक्ट इज दटर प्रिडिक्टर ऑफ द पीरेंट ऑफ लीडरशिप दैन डिस्टिंग्विशिंग इफेक्टिव लीडर्स फ्रॉम इनइेक्टिव लीडर्स सो ट्रेड्स के मुरकब ने हमें यह तो बता दिया कि लीडर दिखने में कैसा होगा उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी उसका आउटलुक कैसा होगा उसकी अपेयरेंस कैसी होगी लेकिन वो ट्रेड्स ये डिफाइन ना कर सकें कि उनमें से इफेक्टिव लीडर कौन सा होगा और इनइफेक्टिव लीडर वो कौन सा होगा सो so, अगर हम ट्रेड अप्रोच को एक स्टेप आगे और लेकर चले तो ट्रेड्स की एग्जाम्पल जैसे मैंने आपके साथ पेश की नंबर कैन बी एक्स्ट्रा वर्जन एस्पेक्ट्स जिसमें आपकी personality बड़ी एक्स्ट्रोवर्ट uh, है, इट कैन बी जिसमें आप शौरी सतह के ऊपर हर फैसले को करते हो लॉजिक एंड रीजनिंग के साथ बात करते हो देर आर सो मेनी अदर दैट कैन बी काउंटेड लेकिन इन ट्रेड्स का जब हमने जिक्र किया तो इट वॉज टेकन दैट लीडर्स आर बॉर्न ये ट्रेड्स लीडर्स की इन क्वालिटीज हैं और जब तक इन बॉर्न एक लीडर के पास ये ट्रेड्स नहीं होंगी द कैन नॉट समलप हेम हर सेल्फ टू बिकम अ लीडर अब हमारे पास जो गोल ट्रेड थे इन बोर्न ट्रेड्स हैं तो अब हमें लीडर्स को सिलेक्ट करना है बिकॉज दे आर सिलेक्टिव पीपल दे आर चोजन पीपल दे आर बॉर्न विद द पर्टिकुलर ट्रेड्स अब हमें उन्हें सिलेक्ट करना है ताकि सिचुएशंस के अंदर वो हमें गाइड और ट्रेन एंड डेवलप वो कर सकें

बेटर एट प्रिडिक्टिंग लीडर इमरजेंस कि एक लीडर जब डेवलप करता है अपने आप को तो डेवलपमेंट के लिए उनको किन किन खसूसियात की जरूरत है किन किन ट्रेड्स की जरूरत है ये तो हमने डिसाइड कर लिया ट्रेड्स के तहत लेकिन हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि लीडर की इफेक्टिवनेस क्या हर सिचुएशन में क्या हर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में उतनी ही मेदार में मौजूद होगी कि नहीं होगी इफेक्टिवनेस so, का ताल्लुक जो था वो ट्रेड्स के साथ एप्रोप्रिएटली स्टैब्लिश वो नहीं हो सका अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो ट्रेड्स एक लीडर को डिफाइन करती हैं उसकी अपीयरेंस की हद तक ट्रेड्स एक लीडर को डिफाइन करती हैं उसके पर्सपेक्टिव के तहत लेकिन ट्रेड्स हर सिचुएशन के अंदर जर्नलाइज नहीं हो सकती यूनिवर्सल नहीं हो सकती